मेट्रो ट्रेन की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायिका पद्म श्री मालिनी अवस्थी ने की शिरकत। बताया लखनऊ मेट्रो को रोल मॉडल। मौके पर उन्होंने हजरतगंज से अमौसी एयरपोर्ट तक यात्रा की, सबके साथ अपने अनुभव साझा किए उन्होंने। और एमडी कॉरपोरेशन रितेश सक्सेना ने बार और बेंच की चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट से भी खास वार्ता करते हुए विस्तृत जानकारी दी। ओकेजन को यादगार बनाने के लिए सभी अतिथियों ने अपने फोटो सेशन भी कराए। मेट्रो सफर के दौरान मालिनी अवस्थी द्वारा गीत गाकर चार चांद लगा दिए गए इस कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को विगत वर्ष जब मेट्रो की सौगात मिली तो फूले नहीं समाया था, खासतौर से लखनऊ। और आज एक वर्ष पूरे किए हैं लखनऊ मेट्रो ट्रेन ने। इसी ओकेजन पर आज खासतौर से एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहाँ पर अतिथिगण मौजूद रहे। हस्ताक्षर अभियान चला। यादगार लम्हे उस वक्त साबित हुए जब विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायिका माननीय अवस्थी ने शिरकत की। मौके पर पद्म श्री माननीय अवस्थी ने उस धरोहर को देखा जो कि चिकन की कलाकृतियां यहां पर दीवारों पर सजाई गई थी। सुन सकते हैं कि पूरी जानकारी दे रहे हैं एमडी मेट्रो श्री सक्सेना। हमने पूरा एक साल पूरा कर लिया है इसी स्पेशल ओकेजन पर। यहाँ पर एक पार्टी का भी आयोजन किया गया। मैंने आपको हजरतगंज से लेकर पूछी पुलिया तक वो नज़ारे दिखाए हैं जहाँ पर आज मेरे साथ एमडी ऑपरेशन भी थे, तो वहीं पर पद्म श्री मालिनी अवस्थी भी यहाँ पर मौजूद थी। पल पल की अपडेट, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उपलब्धियाँ रही, मेरे साथ बने रहिए। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और पैच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ। लखनऊ मेट्रो सिटीज प्राइड नामक बैनर तले खासतौर से जो महान शख्सियात हैं, नामवर शख्सियात हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। भव्यता से सजाया गया आज खासतौर से हजरतगंज स्टेशन। और इसी दौरान खासतौर से मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रही है मालिनी अवस्थी जी, यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपको रूबरू कराते हैं, मेट्रो का ये कजन है जी। मैम, कैसा फील हो रहा है मेट्रो को देखकर? एक वर्ष पूरा हो गया है, फख्र महसूस हो रहा है। और आप देखिए मेरे पीछे धरोहर है लखनऊ की जी। और आज जो वर्तमान है तकनीक, वो है मेट्रो स्टेशन। तो मुझे लगता है ऐसे ही भारत में चाहिए, जो अपनी जड़ों को भी साथ में लेकर के चले और प्रगति के पथ पे भी आगे चले। तो क्या होना चाहिए और आगे इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई जरूरत है? मुझे लगता है कि लखनऊ का मेट्रो स्टेशन इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल मेट्रो स्टेशन की कैसा आप बनाए। आपको बताए ना कोई, तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप मेट्रो स्टेशन में खड़े। दिस कैन लुक अ ग्लोबल प्लेस, सो वेल। इस कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और वो खास तौर से एक पल के बारे में बातचीत करती रही, मालूमात करती रही एमडी मेट्रो से। आप देख सकते हो तस्वीरें जहां पर मालिनी अवस्थी की वार्ता हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के नाते खास तौर से आज यात्रा कर रही महिलाओं से भी सुरक्षा का जायजा लिया और सुरक्षा के बारे में मालूमात की है पद्म श्री मालिनी अवस्थी से। देख सकते जागी मोरी देशभा की नारी, लोक मा छाई है देखो तीजन बाई। आजा नीतू गुप्ता रानी चल गया। बहनों का जोर, जागी मोरी देशभा की नारी, मच गया जगवा मा शोर। जागी मोरी देशभा की नारी, देशभा की नारी, देशभा की नारी, देशभा की नारी, मच गया जग माशो, जागी मोरी देशभा की नारी। ये नज़ारा है मुंशी पुलिया। मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं, खास तौर से जो हजरतगंज से ये शुरू हुआ था, एमडी मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ ये सफ़र शुरू हुआ था। और अब पहुंचे हैं सीधे यहाँ पर मुंशी पुलिया, जहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है आज मेट्रो के सभी स्टेशन को, क्योंकि लखनऊ मेट्रो ने आज कर दिए हैं पूरा एक वर्ष पूर्ण। क्या क्या उपलब्धियाँ रही, इसी के बारे में हमने भी आपको कुछ देर पहले ही बताया। और खासतौर से जो एमडी रितेश सक्सेना थे, उन्होंने भी पल पल की जानकारी सभी अपने अतिथियों को देते रहे। यहाँ पर हुआ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन से लेकर अमौसी एयरपोर्ट तक का सफर।
बड़ा यादगार रहा और पीछे स्टेशन पर पड़ने वाले पर यहाँ पर फोटो सेशन भी कराया गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं वो भव्यता के साथ सजाए भी गए हैं, खूबसूरत बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं जो भी हजरतगंज के अलावा मोसी तक एयरपोर्ट तक जो मेट्रो गई है, मेट्रो के स्टेशन सभी यादगार हैं, खूबसूरत हैं। लगता है कि जैसे विदेशों में यात्रा की जा रही हो। इस मौके पर खास तौर से वरिष्ठ पत्रकार और बारो बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट भी विशेष रूप से रहे मौजूद। आप देख सकते हो तस्वीरें जहां पर विश्व प्रसिद्ध शख्सियत मौजूद हैं। माननीय नमस्ते, मेट्रो की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर लखनऊ मेट्रो ने अपने अतिथियों के लिए एक आलीशान पार्टी का आयोजन भी किया और लजीज व्यंजन यहाँ पर परोसे गए। आप देख सकते हो तस्वीरें जहाँ पर अतिथियों को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। बहुत खूबसूरत रही है पार्टी। अवसर पर दिव्यांगजनों द्वारा खासतौर से मेट्रो के जो स्मार्ट कार्ड थे उनको पढ़कर दिखाया, समझाया, बताया और उन्होंने आशा जताई कि इतने एमडी ने क्या कहा, आप मेट्रो का बहुत आयत में यूज करिए। आप वॉलंटियर की बात करें, आप जब एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पर रिंग भी कर देंगे तो कोई आपको रिसीव करेगा, जहाँ आपको जाना है उस एंड डेस्टिनेशन पे भी आपको कोई छोड़ के आएगा बुक क्लियरली। ये सब फैसिलिटी हम आपको देंगे, देते हैं अभी भी, और वो फैसिलिटी अवेलेबल है। आप हेल्पलाइन नंबर पे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मैं आ रहा हूँ इस स्टेशन। अगर आप जाएंगे तो रेल के स्टिकर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आप लिफ्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप जब ट्रेन के अंदर जाएंगे तो उनके स्टिकर्स में भी जो दरवाजे के पास आप टच करेंगे तो उसमें भी ट्रेन लिखा होगा, तो आप पूर्ण अपने आप यात्रा कर सकते हैं। और फिर भी आपको ज़रूरत है आप आइए, मैं आपको वो भी हेल्प करूँगा। And he had been trying to reach out to me since last, I think a week, 4-6 दिन से, and I was busy traveling in Ayodhya and so many places. और मैंने तुरंत उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और आई थिंक आई हैव एवरी रीजन टू बी सच अ प्राउड लखनऊ वाइट। मेट्रो गिव्स यू एवरी रीजन टू बी सो प्राउड ऑफ इट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेट्रो सर्विसेज इन इंडिया। जो अपने बाहर के ध्यान नहीं देते, जैसे आपने कहा कि अंदर से तो अच्छे हैं लेकिन कभी कभी वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं आपके आउटसाइड क्वालिटीज को, तो उसमें दूसरे को आपको पहचानने में मुश्किल होती है। जैसा हम लोग कहते हैं कि लिफाफा देख के हम खत का मजमून जान लेते हैं, तो वही है कि आप कैसे ड्रेस्ड अप हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, उससे कभी कभी लोगों को अंदाज़ा होता है कि शायद आप कैसे होंगे। भले ही वैसे ना निकले तो सभी होता है, बट दैट कैन बी अ डिसगाइज इन ब्लेसिंग्स समटाइम्स। सो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ द वे यू वांट अदर्स टू परसीव यू। और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है और आगे भी मिलते रहेगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट है, थैंक यू फॉर एडिंग सो मच वैल्यू टू द सिटी एंड अस, थैंक यू सो मच। किसानों के लम्हे को यादगार बना दिया गीत गजल के साथ। सिंगार नगर हम तुम कितने पास है, कितने सितारे, सच पूछो तो मन को। कनक पिचकारी कनक चीफ एडिटर बारो पैच न्यूज़ इन टुडे